हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 6:30 पे उठ गई थी, तो थोड़ा गर्म पानी वगैरह सब पी लिया, मैंने एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी देर डेक पे बैठी, वेदर का मज़ा लिया और बाहर की ग्रीनरी देखी, बर्ड्स देखे, तो वो जो नेचुरल वॉइस होती है कान में जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ग्रीनरी देखते हैं, एवरीवेयर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है, हरा हरा दिखता है, क्लीन स्काई दिखता है, तो मन ऑटोमेटिकली इतना खुश हो जाता है। सूर्य देवता के दर्शन हो गए, तो बस मैं सुबह उठी तो बस 1-1.5 घंटा काम करने के बाद, अपने आप को थोड़ा समय देने के बाद, मी टाइम इन्जॉय करने के बाद, मैंने देखा कि अब बच्चे भी उठ गए हैं। बच्चे उठते हैं तो बस ब्रेकफास्ट की तैयारी होने लग जाती है, और बच्चे उठते हैं तो मेरे रेगुलर काम, रेगुलर रूटीन से स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों का दूध देखना, बच्चों को नहलाना, फ्रेश करना, अपने आप को फ्रेश करना, और थोड़ी घर की क्लीनिंग वगैरह करना, लंच में क्या प्रिपरेशन करनी है आज उसके बारे में सोचना। सो बेसिकली ये जो डे की स्ट्रेटजी होती है वही फिक्स करती हूँ। और वीक डे तो ऐसा ही जाता है, वीक डे में हम लोग नॉर्मल रूटीन्स करते हैं, जैसे कि सभी फॉलो करते हैं, आप लोग भी फॉलो करते हैं, सेम वैसे ही मेरे अभी एक फॉलो रूटीन्स होते हैं। और आजकल जब से ये समर लगे हैं ना, तब से मैंने अपना एक रूटीन बनाया है अलग सा, जो मम्मियों वाला होता है, जो बेसिकली मम्मी और बच्चों का इंक्लूडिंग वाला होता है, जिसके अंदर अगर बच्चे कुछ करते हैं तो मम्मी को भी या एक पेरेंट को उसके अंदर इंक्लूड होना रहेगा। पेरेंटल एंड चिल्ड्रंस रूटीन बनाया है। तो ये रूटीन कैसे बनाया है मैंने, बेसिकली जो आप ईयरली वाइज फॉलो करते हैं, जो स्कूल डेज में बच्चे फॉलो करते हैं, उसी के साथ साथ मैंने हमारा डेली व्लॉग भी, डेली रूटीन भी एक बनाना शुरू करा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। इसमें बेसिकली मैं बच्चों का एक रूटीन बनाया है कि सुबह शाम ब्रश करना है, क्लीन अप करना है, स्टडी करना है, प्ले टाइम होगा, स्नैक टाइम होगा, और उसके बाद अपनी मेडिकेशंस का टाइम होगा, और उसके बाद हम लोग बेड टाइम जाएंगे। सो बेड टाइम जाने के टाइम पे हम लोग पूरे दिन भर में हम क्या किया, हम लोगों ने क्या एक्टिविटी करी, कैसा फील करा, इमोशंस के बारे में, अच्छा बुरा गलत गुस्सा आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बस इसी चीज़ों के बारे में आज का ये ब्लॉग है। सो बेसिकली ये किस तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, आप लोग भी देखिए। आई होप आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे। बस बच्चों का ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने दोनों बच्चों को शावर दे दिया था, और उसके बाद लंच टाइमिंग करने के बाद हम लोग नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद हम लोगों ने क्लीन अप करना शुरू कर दिया है, और जब भी मैं क्लीन अप करती हूँ तो बच्चों को अपने साथ एंगेज रखती हूँ, ताकि उन्हें भी एक क्लीनिंग का रूटीन बन जाए। क्लीन अप करने के दौरान मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि कौन सा प्रिशा का सामान है, प्रिशा के बिन में जाएगा, कौन सा आदि का सामान है, आदि के बिन में जाएगा, और ब्लैंकेट्स हैं वो ब्लैंकेट्स कैसे घड़ी किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, और सबसे लास्ट में आपको वैक्यूम चलाना है। और वैक्यूम तो मैं एवरी अदर डे और एवरी सेकंड डे मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम इज़ लाइक मस्ट ऑन द कारपेट। बहुत सारे लोग एवरी डे भी करते हैं, अगर मैं एवरी डे नहीं करती हूँ तो मैं एवरी अदर डे और एवरी सेकंड डे ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आके हमेशा अपना किचन काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। किचन काउंटर साफ़ करने के दौरान मैं ऊपर के अप्लाइंसेस, ऊपर के कैबिनेट्स, फिर नीचे स्टफ, फिर काउंटर टॉप, फिर नीचे के अप्लाइंसेस, और सबसे लास्ट में मैं ट्रैश चेंजिंग ज़रूर करती हूँ। जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देती हूँ, अपने साथ इंगेज रखती हूँ कि पूरे घर में आपको जहाँ पे भी बाउल्स, गिलास, चम्मच, प्लेट्स, कटोरी, जो भी दिख रहा है वो सारे लेकर आओ और किचन में रखो, क्योंकि मम्मा किचन क्लीनअप कर रही है। और जब मैं बच्चों को अपने साथ क्लीनअप रखती इंगेज रखती हूँ तो बच्चे स्क्रीन टाइमिंग से हट जाते हैं, बच्चों का एक टारगेट बन जाता है कि मम्मा ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मम्मा ने कुछ बोला है, वो आपको फॉलो करना है।
तो बस इसी के दौरान बच्चे क्लीन अप भी सीख जाते हैं, और बच्चे पूरे घर में जहाँ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, कहीं पे कोई कुकवेयर या कोई सॉरी कुकवेयर क्या कोई भी प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो वो भी लाके किचन सिंक में रख देते हैं। तो इसी बहाने बच्चे इंगेज रहते हैं, बच्चों को भी पता पड़ता जाता है कि मम्मा क्लीन अप कर रही हैं, चाहे वो किचन की हो चाहे रूम्स की हो। और सबसे लास्ट में मैं इस तरीके से कैंडल जला के रखती हूँ, ये भी बच्चों को याद होने लग गया है कि मम्मा हमेशा किचन में कैंडल्स जलाना पसंद करती हैं। और उसके बाद ये रहता है कि जब मैं किचन काउंटर साफ़ करती हूँ उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल पे जितना भी सामान होता है उसे भी क्लीन अप करती हूँ। जैसे अगर बच्चों के कुछ स्टडी का सामान है, कुछ पेपर्स हैं, कुमान की शीट्स हैं, या उनकी पेंसिल रबर या प्रिशा की अपनी डॉल्स हैं, वो सारी चीज़ें उस जगह पर रख देती हूँ। और लास्ट में मैं उसे ज़रूर क्लीन अप करती हूँ, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो हमारे टोस्ट पड़े होते हैं, टोस्ट का कुछ क्रम्स गिरे होते हैं, चाय के दाग होते हैं, वो सारे मैं हमेशा क्लीन अप करती हूँ। और क्लीन अप करने के बाद मैं लास्ट में वहाँ पे भी कैंडल जला के रखती हूँ, क्योंकि कैंडल अगर किचन में जलाती हूँ तो किचन में जलाने का एक अलग मोटिव है कि वहाँ पे फ्यूम्स होते हैं, जो कुकिंग फ्यूम्स होते हैं, स्मेल रहती है वो। और अगर डाइनिंग टेबल पर जलाती हूँ तो डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है, ये एक वास्तु टिप ही है जो काफ़ी समय पहले मुझे किसी ने बताई थी, हाँ, कि जब आप डाइनिंग एरिया में जब खाते हैं और अगर वहाँ कैंडल जलाते हैं ना तो वहाँ पे जो पॉजिटिविटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट में निकल के आती है वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि कोई जगह अगर आप खाते हैं और वहाँ पे अगर आप कैंडल जलाते हैं तो एक तरीके से आप उस जगह की पूजा कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं हमेशा हमारा डाइनिंग टेबल क्लीन अप कर लेती हूँ और उसके ऊपर एक कैंडल ज़रूर जलाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, पूरे घर में भी एक पॉजिटिविटी फैलती है। और पॉजिटिविटी किसे अपने घर में नहीं अच्छी लगती है, तो मैं बेसिकली वही काम करती हूँ। और जब पूरा डाइनिंग टेबल वगैरह सब क्लीन अप हो जाता है और उसके बाद मेरा काम बनता है कि मैं बच्चों को लेकर बैठूँ और स्टडी टाइम करवाऊँ। तो जब मैं बच्चों का स्टडी टाइम करवाती हूँ तो मैं बच्चों के साथ पूरी इंगेज रहती हूँ। इस बार मैंने बच्चों को लगाती हूँ और बच्चों के साथ मैं इंगेज रहती हूँ, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ मम्मा हमारे साथ इंगेज हैं, या डैडी हमारे साथ इंगेज हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स हमारे साथ इंगेज हैं कोई चीज़ में, कोई एक्टिविटी में। क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ है, बच्चों का मन बहुत जल्दी ऊब जाता है उन चीज़ों से, तो बच्चों का फोकस बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जब स्टडी टाइम करें तो मम्मी पापा उनके साथ लगे रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो और यहाँ पे ना आजकल छोटे छोटे वो सेशन रखते हैं, छोटे छोटे स्टडी टाइम होता है। सो बेसिकली 20 to 30 minutes का होता है, जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं, 20 minutes राइटिंग, 20 minutes रीडिंग और 20 minutes प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है बच्चों का। तो बेसिकली मैं भी बच्चों के साथ वही करती हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों का 30 minutes एवरी सिंगल डे, हम लोग 30 minutes रीडिंग राइटिंग और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सब करते हैं। उसमें आदि भी अपना करता है, प्रिशा अपना करती है। सो बेसिकली हम लोग यही काम करते हैं एवरी सिंगल डे। तो उससे बच्चों का एक रूटीन बन जाता है कि एवरी सिंगल डे उन्हें स्टडी करनी है, चाहे वो रीडिंग राइटिंग की हो चाहे उनकी मैथ सॉल्विंग की हो। तो बेसिकली मैं वही कर रही हूँ। प्रिशा इस साल से प्रीके में जाने वाली है, आदि फोर्थ में चला गया है। सो बच्चों की धीरे धीरे करके मैं स्टडी टाइमिंग्स भी बनाती जा रही हूँ। और जो वीक डेज़ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहती है वो तो हम करते ही हैं, जैसे सॉकर हो गया, बाहर प्ले टाइम हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप बच्चों को पढ़ाने बैठें तो मैं आपको बताऊं कि बच्चों को आपको एक टारगेट देना बहुत ज़रूरी है, कि दिस इज़ द ओनली टाइम कि अगर आपको 2 o'clock पे पढ़ाई स्टार्ट करने हैं तो 2:30 तक आपको फिनिश करना है। अलार्म क्लॉक लगा दे, अलार्म क्लॉक सेट करने से बच्चों को एक टारगेट मिल जाएगा, कि पर्टिकुलर एक डेडलाइन रहती है 30 minutes की, जिसमें बच्चों को अपना टारगेट कंप्लीट करना है स्टडी से रिलेटेड। और उससे उनकी भी एक प्रैक्टिस में आता जाएगा कि मुझे 30 minutes का एक टाइम मिला है, टाइम लिमिट है, जिसके अंदर मुझे फिनिश करना है अपना होमवर्क, और उसके बाद आपका प्ले टाइम होगा 30 minutes का या 1-2 घंटे का, जो भी आप देना चाहते हैं, उसके बाद ही आपको स्क्रीन टाइमिंग मिलेगा। तो जब बच्चों का स्टडी टाइम हो जाता है उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन्हें खेलने जाने से पहले उनका स्नैक टाइमिंग ज़रूर करूँ। स्नैक टाइमिंग के दौरान मैं उन्हें हल्का सा या तो कोई ग्रिल चिप्स सैंडविच अगर उन्हें ज़्यादा भूख लग रही है, नहीं तो कुकीज़ देती हूँ, मफिन्स देती हूँ या चिप्स देती हूँ, जो भी उन्हें खाना पसंद है उस पूरे एक स्नैक टाइमिंग के दौरान देती हूँ। स्नैक टाइमिंग कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता है हमारा, कुछ ऐसे 15 to 20 minutes या 30 minutes का होता है, जिसके अंदर वो धीरे धीरे खा के ख़त्म करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो सेल्फ फीडिंग ही करें, जितना उन्हें खाना है वो उतना खाएंगे,
और बस उनका स्नैक टाइमिंग हो जाता है, तो उसके बाद टाइम बनता है कि मैं और अमर कुछ 10-15 मिनट या आधा घंटा हम लोग बैठ के बात कर सकें। आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 मिनट भी मिल जाएं आज की इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट्स भी वर्थ वाइल है कि उसके अंदर बैठ के हमने हमारा पूरे दिन भर में हमने क्या किया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, बात कर लें। सो बस हम लोगों की बात हो ही रही थी, इधर बच्चे आके मुझे बोल रहे थे कि मामा आर यू डन, देन वी विल गो आउटसाइड एंड प्ले। तो मैं बच्चों को यही बोल रही थी ओके गेट रेडी, तो आप लोग अपने शूज़ एंड सॉक्स पहनो और अपन चलेंगे बाहर बाहर खेलने के लिए। बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं कि बाहर का मौसम सुपर डुपर हॉट हो रखा है, और मैं बच्चों को हाफ स्लीव्स पहनाती हूँ। एवरी सिंगल डे हम लोग बात भी लेते हैं पूरी तरीके से। सो बेसिकली ये मम्मी और बच्चों का पूरा व्लॉग है, पूरा उनका रूटीन व्लॉग है जो एवरी सिंगल डे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिए एक छोटा सा मिनिमलिस्टिक वाला रूटीन बनाइए जिसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो एवरी सिंगल डे होनी चाहिए, नो मैटर बच्चों की क्या एज है। बच्चे जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी बच्चों के लिए आसानी रहेगी। अर्ली एज इज़ द बेस्ट एज टू लर्न। तो बस आप कल से नहीं आज से ही ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू करिए, बच्चों का एक रूटीन बन जाएगा और आपका भी एक रूटीन बनता जाएगा बच्चों के साथ साथ। और आपका जब रूटीन बनेगा डेफिनेटली पेरेंट्स को देख के बच्चे ज़रूर सीखते हैं, बड़ों को देख के बच्चे ज़रूर सीखते हैं। सो बेसिकली बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे और मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बना के रखती हूँ कि अगर मुझे इतने टाइम खेलना है तो अगर मुझे जल्दी जाना है खेलने के लिए तो मैं खाना पहले बना के रख देती हूँ ताकि आने के बाद बच्चों को एक फ्रेशन अप दे दूँ, या तो मैं उन्हें फिर से बाद टाइम देती हूँ क्योंकि समर का टाइम चल रहा है तो बाहर खेलते वक्त बहुत गंदे हो जाते हैं, परस्पिरेट होते हैं, उनके पास से भी स्वेटिंग होती है, बच्चे थकते हैं, स्मेल आती है और स्मेल आने के कारण स्वेटिंग होने के कारण बच्चों को भी खुजली होती है या स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मॉस्किटो बाइट्स होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ आने के बाद उन्हें पूरी तरीके से या तो चेंज करूँ या कोशिश करके उन्हें नहला दूँ। तो नहलाने से ये रहेगा वो फ्रेशन अप हो जाएंगे। और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जब भी जाऊँ बाहर तो खाना बना के ही जाऊँ क्योंकि जब आने के बाद बच्चे इतने थके हुए होते हैं कि फ्रेशन अप होने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाना ही नज़र आता है। तो मैं मेरे भी ऐसा नहीं रहेगी, नहीं तो टाइम मेरा पूरा इस तरीके से चला जाएगा कि बस बच्चों को खिलाया और खिलाने के बाद बाहर खिला के आती हूँ तो बच्चों को का टाइम हो जाता है खाने का और बच्चे इतना वेट नहीं कर पाते हैं, उनमें इतना पेशेंस ही नहीं होता है। तो बेसिकली मैं खाना बना के ही बाहर जाती हूँ। तो जब हम लोगों का डिनर टाइम भी हो चुका है, मतलब डिनर की प्रिपरेशन हो चुकी है, डिनर बना लिया है मैंने, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर बच्चे खेलेंगे, बाहर बच्चे इंगेज रहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ भी खेलने में। तो मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ कि मैं उस दौरान पे अपनी वॉकिंग कर लूँ, अपने लिए टाइम निकाल लूँ और इधर उधर की चीज़ें इंजॉय कर लूँ क्योंकि बाहर जाते हैं फ्रेशन अप होते हैं, अच्छी फ्रेश एयर जाती है आपके माइंड में भी, बच्चे खेलते रहते हैं और बच्चे जब तक छोटे होते हैं तो बच्चों के आँखों के सामने ही खिलाना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ, ये मेरा रूटीन है कि मैं बच्चों को बाहर लेकर जाती हूँ समर टाइम्स में और बच्चे खेलते हैं, आराम से खेलते हैं बच्चे, उनको देखते रहो और बाहर की चीज़ें इंजॉय करो। सो बेसिकली अच्छा लगता है। और जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में बच्चों को भी इजी रहता है अपने सेम एजर्स के साथ। बच्चे जितने ज़्यादा अपने सेम एजर्स वालों के साथ जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे इतना ज़्यादा उनके भी इंगेजमेंट बढ़ेगा और वो भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे पूरी तरीके से बात करने के लिए, चाहे गाड़ी से रिलेटेड हो, बच्चों के कहीं एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हो, बच्चों के नए टॉपिक्स हों, नए गेम्स हों और इधर उधर की चॉइसेस हों, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं एक दूसरे के साथ बात करके खेल के। और मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं या मन हो जाता है तो मैं बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, थोड़ी डिस्क खेलना हो गया या डिस्क थ्रो हो गया, बॉल हो गई या कैच एम कैच हो गया, तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंगेज रहना कभी कभी। और बच्चों को कभी कभी अगर प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है तो उसी दौरान बच्चे कोक या यू नो डॉक्टर पेपर वगैरह ले लेते हैं या पॉप्सिकल खा लेते हैं। अभी समर का टाइम चल रहा है, बच्चे आराम से ले भी लेते हैं और बच्चों को आराम से डाइजेस्ट भी हो जाता है जब बच्चे खेलते कूदते रहते हैं।
सो बेसिकली ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरा और बच्चों का, मतलब बेसिकली ये मम्मी एंड बच्चों वाला व्लॉग था जिसमें किस तरीके से हमारे रूटीन्स फॉलो अप होते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और काफ़ी हद तक इंस्पायर कर रहा होगा। अगर आप लोगों को इंस्पायर करे, गाइडेंस मिले, तो डेफिनेटली इस व्लॉग को बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है जो काफ़ी मेहनत के साथ बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा रूटीन्स वाला ब्लॉग है जो मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ इंगेज रहती हूँ, बच्चों को भी अपने साथ इंगेज रखती हूँ। सो ऑलराइटी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम लोगों के ब्लॉग्स के अलावा डेली ब्लॉग्स भी आएंगे, फेस्टिव ब्लॉग्स भी आएंगे और हमारी ट्रिप ब्लॉग्स भी आएंगे। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली हम लोगों की ट्रिप्स कहाँ कहाँ होने वाली है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और डिनर टाइम होने के बाद हम लोगों का मेडिकेशन टाइम होता है जिसमें हम सभी, मतलब फैमिली, पूरी फैमिली मल्टीविटामिंस, विटामिन सी और जो भी हम लोगों की डेली जो मेडिकेशन है जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग डेफिनेटली बिफोर बेड टाइम लेना पसंद करते हैं। और जब मम्मी पापा खाते हैं ना तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि मम्मा पापा क्या खा रहे हैं, एक उनका भी रूटीन बन जाता है। मेडिकेशन लेने के बाद हम लोगों का बेड टाइम हो गया है जिसमें मैं ब्रश टाइमिंग देती हूँ और ब्रश टाइमिंग कोशिश करती हूँ कि दोनों बच्चे खुद ही अपने आप से करें, गागल करें, पूरी तरीके से ब्रशिंग करें ऊपर नीचे और साइड में। सो हम लोगों का बेड टाइम भी हो चला है। बेड टाइम के बाद हम लोग हमारा एक दिन भर में क्या किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।